खबर जोबट से। CISF ने आजादी का अमृत महोत्सव साइकिल रैली का दीपक चौहान ने किया स्वागत। जोबट केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल देश भर में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत साइकिल रैली जोबट पहुंची। जोबट अंशुल स्कूल इस यात्रा के यात्रियों का फूल माला से स्वागत का नाश्ता कराया। दीपक चौहान ने बताया कि रैलियों में से सबसे लंबी रैली पुणे की ऐतिहासिक यरवदा जेल से शुरू हुई और राजघाट दिल्ली में समाप्त होगी। कुल 1703 किलोमीटर लंबे मार्ग में रैली 27 दिनों की अवधि में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थानों और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के जन्म स्थानों को कवर करेगी। रैली को 4 सितंबर 2021 शनिवार को यरवदा जेल पुणे से सुबह 8 बजे झंडी दिखाकर रवाना किया। यरवदा जेल वो स्थान है जहां ऐतिहासिक पूना एक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, जब गांधी जी ने सांप्रदायिक अवार्ड के विरोध में उपवास किया। गांधी जी को इस जेल में 3 बार रखा था। रैली 27वें दिन राष्ट्रपिता के जयंती 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर संपन्न होगी। रैली का आयोजन देश की युवाओं को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की बहादुर कहानियों और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के गुमनाम नायकों द्वारा किए गए बलिदानों से जोड़ने के लिए किया जा रहा है। भारतवर्ष के लिए जोबट अलीराजपुर से वीर सिंह गुथरिया की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनता।